स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 4 उसका रिवीजन करेंगे, है ना। ये चैप्टर है फलों का चुनावी दंगल, है ना। क्योंकि आपके लेवल टेस्ट होने वाले हैं तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये तीनों चैप्टर आने वाले हैं, है ना। हम एक बार सिलेबस भी भेज देंगे आपको। ये आपको तीनों की तैयारी करना, फलों का चुनावी दंगल, कविता सुदामा चरित्र और प्रेमचंद जी के साथ दो दिन। तो आज हम फलों का चुनावी दंगल के लिए रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद कल जो है अगला चैप्टर, और फिर आप एक चैप्टर अपने से कर लीजिएगा, है ना। तो देखते हैं हम, और मंडे से आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ाएंगे हम। हाँ, अब देखिए इसमें फलों का परिचय, ये 41 नंबर का पेज निकालेंगे आप। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा, जहां से ये बुक आई है ना, वहीं से पेपर रहेगा। हम पेपर नहीं निकाल रहे, इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करना चाहिए, करना है, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना। अब देखिए फलों का परिचय। अच्छे स्वास्थ्य के लिए फल बहुत ही उपयोगी है। फलों के सेवन से हमें लंबी आयु के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। इनके सेवन से हमारे शरीर में खनिज और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, है ना, जो हमारे शरीर को अच्छी तरह काम करने के लिए अति आवश्यक है। फाइबर युक्त फल हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी कि जल्दी अच्छे से पाचन हो जाता है तो हमें भूख लगती है ना। जो अपना वजन कम करना चाहते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें फल को अपने आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए, है ना। अपना वजन कम करना चाहते हैं तो उन्हें फल खाना चाहिए। हमें हमेशा ताजे फलों का ही सेवन करना चाहिए। बाजार में मिलने वाले कटे फटे फल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आजकल बाजार में फलों के डिब्बाबंद जूस और जैम भी उपलब्ध है, उनके सेवन से भी बचना आवश्यक है, ठीक है। अब पेज पलट लीजिए, उसमें देखिए आओ करे वन, है ना, आओ करे एक। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, जनता के अनुसार खांसी कौन फैलाता है? अमरूद, है ना, जबकि अमरूद खांसी नहीं फैलाता अगर उसको ठीक समय पे खाए तो। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा फल साल भर मिलता है? केला, ठीक है, केला साल भर मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को किस फल का सेवन नहीं करना चाहिए? तो लीची का, क्योंकि ये क्या होती है, गर्म होती है, ठीक है। कौन सा फल सबसे ज्यादा रंगों में पाया जाता है? अंगूर, ना, पीले काले और हरे, तीन कलर होते हैं इसके, है ना, तीन कलर बहुत सारे में हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कठोर फल कौन सा है? नारियल, ठीक है। अब देखेंगे हम, आम में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो आम में मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा, फास्फोरस, खनिज, ए, सी, ई, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतरा हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? 40 नंबर का पेज निकालेंगे, 40 नंबर का यहाँ पर देखिए, है ना, 40 नंबर का पेज, ठीक है ये। हाँ ये देखिए, ये जो संतरा बना है यहाँ पर, ऑरेंज बना है यहाँ पर, मुझमें एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, और विटामिन सी है जो आपको बढ़ती उम्र के प्रभाव से बचाता है। मैं आपके दिल को भी स्वस्थ रखता हूँ और आपकी आंखों की रोशनी को भी तीव्र करता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, लीची की हानियां बताइए। ये 38 नंबर का पेज निकालेंगे आप लोग, उसमें देखिए 38 नंबर का पेज में, हाँ ये है लीची। मैंने बताया नाम की मेरी तासीर गर्म है, मुझमें मिठास भी ज्यादा होती है, इसलिए मधुमेह के रोगी मुझसे बचे, और मधुमेह मतलब शुगर है ना, और स्वस्थ लोग भी मेरा कम मात्रा में सेवन करें। ज्यादा खाएंगे तो नाक से खून ही नहीं निकलेगा बल्कि आपको बुखार भी हो सकता है, इसलिए संयम के साथ मेरा सेवन कीजिए और जीवन का आनंद उठाइए, है ना। ये हो गया। अब देखिए नारियल के कोई चार उपयोग लिखिए, ये 40 नंबर का पेज निकालेंगे आप लोग, 40 नंबर का, उसमें देखिए, हाँ ये हो गया, ये नारियल के द्वारा कहा गया कथन है। मित्रों आप मुझसे परिचित हैं, मैं नारियल हूँ, मैं बहुत उपयोगी हूँ, आप मुझे कच्चा खा सकते हैं, आप मुझे सुखाकर खा सकते हैं, आप मेरा पानी पीकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं, मैं हर रूप में फायदेमंद हूँ, मुझमें विटामिन, खनिज, एमिनो एसिड, फाइबर, प्रोटीन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैं आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता हूँ, कब्ज दूर करता हूँ, नक्सिर का इलाज करता हूँ, एलर्जी दूर करता हूँ, याददाश्त बढ़ाता हूँ, आपका वजन नियंत्रित करता हूँ, पेट के कीड़े मारता हूँ और आपकी अनिद्रा दूर करता हूँ। आप मुझे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप मेरी जटा से, रस्सी और गिरी से
तेल बना सकते हैं, लकड़ी से मकान बना सकते हैं और मेरे दूध का भी प्रयोग कई बीमारियों के इलाज में कर सकते हैं। मेरी चटनी तो लाजवाब होती है, मेरे उपयोग और महत्ता के कारण ही मुझे श्रीफल खा जाता है। ये हो गया नारियल के उपयोग। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, आम से बनने वाली किन्हीं पांच चीजों के नाम। ये 36 नंबर का पेज निकालेंगे आप लोग। ये देखिए आम है ना, यहाँ पर इसमें मेरा नाम काम तो आप जानते ही, बरसों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। अचार चटनी मुरब्बा से लेकर खटाई और अमचूर तक मुझसे बनते हैं। आप मुझे कच्चा खाते हैं, पका भी खाते हैं और सब्जी में डालकर भी खाते हैं। आपका और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं तासीर में जरूर गर्म हूँ पर समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद हूँ। मुझ में विटामिन खनिज और अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो न आपको स्वस्थ रखते हैं बल्कि आप में ऊर्जा का भी संचार करते हैं। मुझ में विटामिन ए सी और ई के साथ साथ पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम तांबा फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। मेरा नाम सुनते ही बच्चा या बूढ़ा सबके मुंह में पानी आ जाता है। मैं लोगों की लू से भी रक्षा करता हूँ। मेरा पना पीकर लोग लू का उपचार करते हैं। मैं आंखों को मजबूत करता हूँ, स्मरण शक्ति बढ़ाता हूँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विस्तार करता हूँ और कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने में सहायता करता हूँ। ये हो गया आम के प्रयोग। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर विस्तार से दीजिए। आपको कौन सा फल अच्छा लगता है, उसके कोई पांच लाभ, जो भी फल आपको अच्छा लगता है उसके पांच फायदे बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आपने सभी फलों के भाषण सुने, आप किस फल का चुनाव करेंगे। यानी सभी लोगों ने कितना अच्छा भाषण दिए, तो जो फल आपको अच्छा लगा उसका चुनाव आपको करना है और उसका कारण भी बताना है कि क्यों आपको अच्छा लगा। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमको पदबंध पढ़ना। पदबंध क्या होता है ये देखिए, परिभाषा दी आव परिचार है ना। जब दो या दो से अधिक पद नियत क्रम और निश्चित क्रम निश्चित अर्थ में किसी एक पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कई शब्दों पदों के योग से बना वाक्यांश है जो एक ही पद का कार्य करता है, पदबंध कहलाता है ना। सबसे देखा उदाहरण में देखेंगे, हाँ यहाँ पर देखिए पदबंध वाक्यांश मात्र होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं, पूरा पूरा वाक्य नहीं होता। सेकंड है पदबंध एक से अधिक पदों के योग होते हैं। फिर अगला है पदबंध के सारे शब्द आपस में बंधे अर्थात जुड़े होते हैं, है ना। अब हम देखेंगे सबसे, यहाँ पर उदाहरण दिया सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी चील है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वाक्य में सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षी में पांच पद है किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। सेकेंड है प्रियांश अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, तो दूसरे में वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रम में चार पद है किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं, परिश्रमी बता रहे हैं। फिर अगला है नदी कलकल करती हुई बह रही है, तो तीसरे वाक्य में कलकल करती हुई में तीन पद है किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद वह बाजार की ओर गया होगा, तो चौथे वाक्य में गया होगा में दो पद है किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं, है ना। अब हम देखेंगे पदबंध एक संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, उसके प्रकार सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब जैसे आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया है ना, ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। चार शक्तिशाली मजदूर संदूक उठा लाए, अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे, है ना। ये हो गया संज्ञा पदबंध। विशेषण में धीरे धीरे चलने वाला, विशेषण बताया ना, कछुआ बाजी जीत गया, अत्यंत सुंदर फुर्तीला और तेज उसका घोड़ा, है ना। हम पीपल की ठंडी छांव में, ये भी विशेषण। फिर सर्वनाम विरोध करने वाला वह, है ना, ये सर्वनाम। बिजली से फुर्ती दिखाकर उसने, ठीक है, कुछ शरारत करने वालों में से कुछ, है ना। ये हो गया क्रिया, क्रिया में देखिए आकाश में सूरज चमक रहा था, बस पुल को पार कर गई होगी, कछुआ जीत गया, है ना। ये सब क्या है, क्रिया पदबंध। और क्रिया विशेषण में देखिए वह बहुत धीरे धीरे चलता है, फिर गेंद बहुत तेजी से ऊपर चली गई। मैं आज शाम 4 बजे तक आऊंगा, है ना, ये क्रिया विशेषण हो गए। उसके बाद देखिए आओ करे 5 मिनट, युद्ध में लड़ने वाला सिपाही शहीद हो गया, कौन सा पदबंध है, संज्ञा। बच्चे जल्दी सो जाया करते हैं, कौन सा है, सो जाना क्रिया है, तो क्रिया पदबंध। आप आराम से बैठकर चाय पीजिए,
तो यहाँ पर क्या होगा, आराम से बैठकर क्रिया विशेषण। उसके बाद नाव पानी में डूबती चली गई, है ना, तो डूबती चली गई क्या है, क्रिया पद बन। उसके बाद देखिए हमारे मित्रों में से कोई नहीं आया, ये सर्वनाम, कोई सर्वनाम, है ना, मैं लुढ़कती चली गई क्रिया पद बन, है ना। हम जल्दबाजी में उठकर क्रिया विशेषण, अधिक खाना खाने वाला आदमी संज्ञा पद, तुम में से कौन सर्वनाम, है ना, मेरी पतंग आसमान में उड़ती ही चली गई क्रिया, है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संज्ञा पद बन नहीं है, है ना, तो आज मैंने पेट भर खाना खाया, किस वाक्य में क्रिया पद बन नहीं है, तुम कब आए, है ना, किस वाक्य में क्रिया विशेषण पद बन नहीं है, वह पत्थर से टकरा गया। फिर किस वाक्य में विशेषण पद बन नहीं है, राहुल कल दिल्ली से आ रहा है। किस वाक्य में सर्वनाम पद बन नहीं है, राजू बिहार की राजधानी पटना में रहता है। उसके बाद आगे है, आओ करे साथ में टूटकर खंड खंड हो गया क्रिया पद बन, अच्छी तरह पढ़ता वह सर्वनाम पद बन। उनको समझाने वाले आप कौन, सर्वनाम, कौन में सर्वनाम, सुबह से रात तक क्रिया विशेषण, है ना, पदबंध। किसान की तीनों बेटियां संज्ञा पदबंध। कौन एक पदबंध की विशेषता नहीं है तो संपूर्ण वाक्य नहीं होते। पदबंध के कितने भेद हैं, पांच। कौन सा एक पदबंध का भेद नहीं है, विस्मय पदबंध, है ना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया ये सब होते हैं। पानी में तैरती मछलियां अच्छी लगती है, संज्ञा पदबंध, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध नहीं है, पुलकपण, ठीक है। अब ये हो गया आपका यहाँ तक के, आओ करें आठ तक के, ये भाषण वाला आपको छोड़ देना है, इसको नहीं यूपी बढ़ाएंगे तो चलेगा। अब देखिए सेकंड बुक में सबसे पहला मेरी बारी, दो से चालू करती हूँ, गीता और सीता क्रिया विशेषण, दिन रात एक करने वाला राहुल विशेषण, बच्चे शोर मचाते हुए क्रिया विशेषण, उनमें से कोई सर्वनाम, उड़ता ही चला गया क्रिया, है ना। अब मेरी बारी तीन में, किस वाक्य में क्रिया पदबंध नहीं है, मैं घर जाऊंगा। किस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध नहीं, वह सारा खाना खा गया। किस वाक्य में संज्ञा पदबंध नहीं है, वह रेलगाड़ी से गोवा जाएगा, है ना, जैसे इसमें किसान गाय ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किस वाक्य में विशेषण पदबंध नहीं है, उसे देखकर लोग हंसने लगे, ठीक है। फिर अगला है, किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध नहीं है, तो वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम, आओ करें चार, मेरी बारी चार, दिखाई दे रहा है क्रिया, साइकिल चलाने वाली सभी लड़कियां संज्ञा, ढोलक बजाने वाला वह सर्वनाम, हवाइयां उड़ने लगी क्रिया पदबंध, ठीक है। दिन रात काम करने वाली वह सर्वनाम पदबंध। अब हम मेरी बारी पांच देखेंगे, उसमें देखिए गाय घास चल रही थी क्रिया विशेषण, धीरे धीरे खरगोश धीरे धीरे चल रहा था क्रिया, क्रिया विशेषण, और घास चल रही थी क्रिया, मेहनत करने वाला वह बोला तो सर्वनाम, नव में उड़ता कबूतर संज्ञा, सूरज की तपती गर्मी संज्ञा, दोनों संज्ञा, दो बार संज्ञा है, कोई भी लगा सकते हैं आप, है ना। तो ये आज आपका ये फोर्थ चैप्टर जो है फलों का चुनावी लंगर हमने रिवीजन करा दिया, आपको एक बार पुनः रिवीजन करना है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है कल हम उसका रिवीजन कराएंगे, अगर ये तैयार हो जाता है तो आप उसका भी रिवीजन कर लेंगे। तो आज की कक्षा हम ये समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद बच्चों।